हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफली रह रहे होंगे और खूब सारा पानी पी रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। हैं अब तो मानसून आ गया है तो थोड़ा कम पानी प्यास लगती है, लेकिन नहीं, आपको पानी प्रॉपर पीना है क्योंकि बॉडी अंदर से भी तो हाइड्रेट होनी चाहिए। नहीं तो मानसून अच्छा तो बहुत लगता है, चाय पकौड़ी में मज़ा बहुत आता है, लेकिन खूब सारी प्रॉब्लम्स भी लाता है। जैसे चिपचिपी चिपचिपा सा लगता है ना, आप फैन ऑन करिए, कूलर ऑन करिए, एसी ऑन करिए, फिर भी ना थोड़ा सा चिपचिपा लगता है। और हमारे हेयर में भी चिपचिपाहट होती, मतलब चिपचिपा वाला मौसम। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी फिर कुछ लेके आई होगी, तो आज मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ, ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई रेमेडी, ना कोई रेसिपी, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस हम अपना बताने आए हैं और आपका सुनने आए हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस हो कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, और मेरा जो है वो हम बताते हैं। और नॉर्मली सभी वुमेंस जो होती हैं ना, कुछ गलतियां करती हैं, इसकी वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आज एक प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं, एक टॉपिक, वो हमारे हेयर। हेयर काफ़ी डैमेज होते हैं जब हम मानसून होता है, क्योंकि ऑयली ऑयली सा तो रहता ही है। अब जब मानसून आता है तो हम, अगर मेरे बाल गीले हो गए या किसी के भी बाल गीले हो गए, तो उनमें नमी बैठ जाती है, आपकी जड़ें ना कमज़ोर और कमज़ोर होने लगती हैं, तो काफ़ी सारे दिक्कतें आ जाती हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं जिनको आप आजमा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और फिर लेके बैठ जाते हैं, यार बाल टूट गए, हमारे बाल टूट रहे हैं, बाल दो मुँह हो रहे हैं, बाल चिपचिपे हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें। तो कुछ रूल्स फॉलो करिए, कुछ टिप्स। वेलकम टू माई लविंग फैमिली इन हार्ट, कैसे हैं आप सब लोग, फिर से पूछ ले रहे हैं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारे हेयर। हेयर हम मानसून में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि ये नमी बहुत होती है, चिपचिपाहट तो होती ही है, ऐसे मौसम में तो आपकी स्किन भी चिपचिपाती है और हेयर तो है ही। लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं जो आप अपने बालों पे अप्लाई करके ना काफ़ी हद तक अपने बालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहला नंबर, आप अपने बालों को कभी गीला मत रखिए हमेशा। अगर वो बाई चांस कभी गीले हो भी जाते हैं धोखे से, या आप आ रहे हैं, बारिश है, कभी भी बरस जाए, भगवान का प्रसन्न हो जाए, तो आप जब भी घर आएँ तो तुरंत अपने बालों को किसी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से रैप कर लें या सुखा लें, फ़ैन से सुखा लें, जिससे आपको करें। बस आप इसमें हॉट एयर का प्रयोग ना करें, यानी ब्लोअर का भी प्रयोग मत करें, क्योंकि इससे बाल आपके डैमेज होते हैं। दूसरी चीज़, हम जो रबड़ बैंड यूज़ करते हैं, रबड़ बैंड करते हैं ना कि बस वो प्लास्टिक वाली रबड़ बैंड होती है, उसका यूज़ तो बिल्कुल बंद कर दें। साल भर आप करें या ना करें, लेकिन इन मौसम में ज़रूर करें। आप कोई भी कॉटन के आते हैं, कपड़े के बहुत सारे आते हैं रबर बैंड, आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाले ना करें, क्योंकि जब आप लगाएंगे ना ऐसे खींचेंगे तो सारे निकल के भग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इससे आप रबर बैंड का भी यूज़ कम किया बिल्कुल ना करें। रही कॉम की बात, अब कॉम आप करते हैं तो हमारे हिसाब से जो हमें लगता है कि वो नॉर्मल जो कॉम करने वाले ब्रश आते हैं आप उसी से करते होंगे, लेकिन आप बड़े टीथ वाले कॉम से आप ब्रश करें पूरे मानसून। और हो सके तो वुडन वाला लेके आएं, मोटे टीथ वाला आता है ना, वो वुडन वाला लेके आएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं है तो फिर आप उसी से करें। लेकिन पतले कॉम वाले, पतले दांत वाले जो कॉम होते हैं ना, उससे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक तो बाल आपके वैसे ही नमी है उनमें और आपने खींचा तो वो जड़ से ही चले आएंगे। और तीसरी चौथी जो भी है आप गिन लीजिएगा, आप अपना शैम्पू जो यूज़ करते हैं, शैम्पू वैसे तो देखिए थोड़े थोड़े दिनों में चेंज कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए, क्योंकि ना हर मौसम के हिसाब से अपनी बॉडी में भी कुछ चेंजमेंट होते हैं, अपनी स्किन में भी कुछ चेंजमेंट होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को बदलते रहना चाहिए। अब बोलेंगे कि मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी मम्मी तो सदियों से वही लगा रही हैं, वही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो भैया पहले के ज़माने की बात दूसरी है। पहले तो लोग घी में खाते थे, अब कोई खाता है, कहेंगे नहीं फैट हो जाएगा। पहले लोग घी भी खाते थे, दूध भी खाते थे और नॉर्मल लाइफ जीते थे, क्योंकि वो मेहनत भी करते थे, पसीना भी निकलता था। अब उतनी मेहनत नहीं है, कहते ज़रूर है हम हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वूमेंस हैं, हम लोगों के पास बहुत काम है, लेकिन पहले के हिसाब से हम लोगों के पास बहुत कम काम रहेगा। तो भैया पहले की छोड़ दीजिए, अभी की चलिए, जो अभी हमारे यहाँ पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन भी नहीं था पहले जितना अब हो गया है, तो संभल के। तो भैया
आप अपना शैम्पू भी चेंज करते रहिए समय समय पे। हाँ, कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा ब्रांड ले लें, जो आपके स्किन को, आपके हेयर स्किन को सूट करे, हेयर रूट को सूट करे, वो आप यूज़ करिए। माइल्ड शैम्पू भी करिए, कर सकते हैं आप, और जनरली करना ही चाहिए, या तो फिर आप होममेड शैम्पू बना के यूज़ करिए, वो सबसे सुपर है। और आती है बारी सबसे अच्छी चीज़, ऑयल मसाज। अब आप कहेंगे ऐसे चिपचिपे में ऑयलिंग कौन करे, लेकिन ऑयल करना मस्ट है, इसके बगैर तो आपके हेयर मजबूत हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि वो हम अंदर से अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं सब अंदर, ऊपर से भी मजबूती चाहिए, उनको नरिशमेंट चाहिए। जैसे हम लोग खाते हैं तो अंदर से बॉडी हील करती है, वैसे ऊपर से भी उनको चाहिए। तो इस मौसम में मेरे हिसाब से वॉर्म करके जो ऑयल लगाया जाता है वो आप लगा सकती हैं। अब आप कहेंगी हम तो जो भी लगाती हूँ आप एक ऑयल लगाते हैं, लेकिन उसको भी आप चेंज करके लगा सकती हैं। उसके लिए वैसे कोई तीम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैतून का तेल लेके आइए, और हिंदी में बता दे रहे हैं अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, उसको लेके आइए, दोनों को मिक्स करिए और थोड़ा सा उसको गुनगुना कर लीजिए, और अपनी अच्छे से चम्पी कर लीजिए, आपके रूट्स भी मजबूत हो जाएंगे। अगर चाहें तो उसमें आप कोकोनट ऑयल मिला सकती हैं। आपको देखिए एक ऑयल में तो कोई बेनिफिट, एक सारे बेनिफिट नहीं मिल सकते, इसलिए हम मिक्स करके हम आपको दिखाएंगे भी कभी, और पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि हम कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। वैसे मैं सारे मिक्स करके ही करती हूँ, अपनी बेटी को भी मिक्स करके ही लगाती हूँ। तो हो सके तो आप भी ऐसे ही लगाइए। और आप नॉर्मल अगर कोकोनट ऑयल यूज़ करें तो उसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लें, उसके बाद उसमें विटामिन ई का कैप्सूल डालें, और अच्छे से मिला के, कुल मिला के आपको ऑयलिंग मसाज करनी है, जो आपके सर पे, सर के स्कैल्प पे जो सूट करती हो वो करनी है। और आप जब बन बनाते हैं, बना लेते हैं ना, वुमेंस होती हैं ना, बन ही बनाए रहती हैं, यहाँ पे बना लिया हो गया, तो यहाँ से भी ना बाल आपके थोड़े से खिंचते हैं। जो लोग पफ बनाते हैं ना, वो यहाँ पे खूब सारी बॉबी पिंस लगाते हैं, उनके कब पूछिएगा, बहुत मैंने देखा भी है और पूछा भी है कि सबसे, मैं तो नहीं लगाती, यहाँ पे ना दर्द होने लगता, हमारी जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं, तो उसको भी थोड़ा कम करिए। आप घर में, बाहर जाती हैं तो आप करके ही जाएंगी, लेकिन घर में आए तो आप अगर बन बनाती ना तो थोड़ा सा लूज़ बनाइए, आप अपने बालों को सिक्योर करके रखें, ये ज़रूरी है, लेकिन इतना भी टाइट मत रखें कि वो जड़ से ही उखड़ें जब आप खोलें। सबसे अच्छा है आप पोनी बनाइए, बन भी बनाइए लेकिन लूज़ बनाइए, पोनी बनाइए तो आप पोनी, ऐसा नहीं है अब एक दिन बना ली तो चार दिन की फुर्सत, ऐसा नहीं है, आप डेली पोनी बनाइए, दिन में दो बार तो कॉम करिए ही करिए। तो ये जब सब आप करेंगे ना, तो आपके बाल जितनी दिक्कतें अभी होती हैं मानसून के टाइम पे, उतनी नहीं होंगी। आप ट्राई करके देखिएगा, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो ना, तो लाइक शेयर कमेंट और भर भर के सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ, या रेसिपी के साथ, ब्लॉग के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।